पर्यावरण बचाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम को लेकर मुहिम पे निकले। आपको बता दें कि चंकी राही आज कोडरमा पहुंचे। पर्यावरण बचाने के संकल्प को लेकर चंकी राही चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने साइकिल से निकले हैं। तकरीबन 18,000 किलोमीटर के सफर में अब तक चंकी 4,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय कर चुके हैं। बाकी का सफर जारी है। कोडरमा पहुंचने पर आम लोगों के बीच जगह जगह रुक कर चंकी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया और उनसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। चंकी राही ने भारतीय सेना में बतौर जेई कार्यरत थे और दिल्ली एनसीआर के रहने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि अगर पर्यावरण नहीं बचाया गया तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। यात्रा उत्तराखंड चार धाम, भारत चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में है, जो कि पूरे भारत में अप्रोक्स पड़ते हैं, और मेरी यात्रा लगभग 18,000 किलोमीटर पूरा करेगी और मैं अब तक 4,200 किलोमीटर मतलब यात्रा कर चुका हूँ। यात्रा का मुख्य मकसद यह है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करूं ये हमारा पर्यावरण के प्रति, और मैं जगह जगह रुक के ट्री प्लांटेशन भी कराता हूं और मैं जागरूक ऐसे करता हूं कि जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पर्यावरण को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारी सिंगल यूज पॉलीथीन है उसको अवॉइड करके मतलब उसको उससे बच के। वो गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया है सिंगल यूज पॉलीथीन, लेकिन उसका अल्टरनेट तब तक मार्केट में नहीं आएगा। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकरसाई के कक्षा 8 में पढ़ने वाली रानी सरदार हाई जंप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। रानी सरदार आगे पढ़ने के लिए रोजाना प्रैक्टिस कर रही हैं। मेराकी संस्था की टीम रानी सरदार को बधाई देने उनके गांव पहुंची। खेलो झारखंड के तहत रानी सरदार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में हाई जंप में फर्स्ट हुई। रानी सरदार के अच्छे प्रदर्शन से स्कूल के शिक्षक और ग्रामीण में काफी खुशी है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इस क्षेत्र पे इस गांव पे आज हमारी टीम पहुंची है और ऐसे प्रतिभाशाली किशोरी बालिकाओं के साथ मुलाकात हुई। तमाम झारखंड की अलग अलग गांव की लड़कियां इस तरह से प्रोत्साहित हो, यही हमारा सोच है, यही हमारा खोज है। इसी खोज को जारी रखते हुए तमाम किशोरी बालिकाओं के साथ हम लोग आगे भी खेलकूद कर प्रतियोगिता जारी रखेंगे। धन्यवाद। उसका नाम है रानी सरदार, जो कि बरगवा 8 में पढ़ती है। बस सभी लोग खुशी में झूमे, हम लोग इस गांव के एवं पूरा पोटका प्रखंड के जितने भी टीचर है और जितने भी पोटका क्षेत्र का बच्चा है सभी लोग इनका हाई जंप में जो फास्ट हुई है, इसलिए सभी लोग खुशी में है।